उन्होंने रात इतों कोई घरों बुला के लै गए और उदा जिहड़ा ए गल दोवां बन्नियां तों वढ़ के थोड़ा जिहा ही हुण गल जिहड़ा रिहा जिहड़े मोटर ते कोई सिंह गया उहने वेख्या वी उह जिहड़ा उत्थे उहदा मर्डर होया सी रात और तहकीकात तों हुण पता लगूगा वी रात उहदे नाल भाणा की वापरिया किन्ने मारिया किन्ने नहीं मारिया इहदा जिहड़ा उह कातल ने उन्हां नूं लभ के पता करके ते उन्हां ते जिहड़ी बणदी कानूनी कारवाई सख्त तों सख्त कारवाई कीती। सत श्री अकाल, मैं हरमन कुलार चढ़दी कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। तो दिन प्रतिदिन दहशत जिहड़ी है फैलती जा रही है जिले तो जिले, ताजा तस्वीर सामने आ रही ने सुल्तानपुर लोधी तो जिथे 55 साल बलबीर सिंह का कतल हो चुकी है, भरा की मोटर से लाश बरामद हुई है, मुलजमान के वलों भरा की मोटर से ही लाश न सुट दिता गया है। जिमें ही परिवारक मैंबर का कहना है कि रात को फोन आंदा, जी हाँ 55 साल किसान ने बलबीर सिंह जिन्होंने फोन आंदा, उस तो बाद वह चले जाते हैं पर मुड़ के घर वापस नहीं आते। तो अज शक्की हालात के जदों भरा की मोटर से ही लाश बरामद होंगी है तो तुम वेख सकते हो परिवारक मैंबर का इस वक्त की हाल है। इलाके दे विच सहम का माहौल वेखन मिल रहा है, एक तरीके नाल सनसनी फैल चुकी है क्योंकि जड़े ये किसान ने इन्हां दे परिवारक मैंबर का कहना है कि इन्हां दी किसी दे नाल भी रंजिश नहीं सी, किसी भी तरीके की दुश्मनी नहीं सी, उसके बावजूद भी अज इस तरीके दे नाल उन्हां दे घर दे जी दी लाश का बरामद होना ते शक्की हालातों के कतल का हो जाना एक बार उन्होंने भी चौकन्ना कर रहा है, सतर्क कर रहा है कि आखिर कौन है उन्होंने दुश्मन। पर जी यह घटना वापरी है इसने बड़े सवाल खड़े किए ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से, कदे भी घरों निकल के किसी नाल भी कुछ वापर जावे इसका नहीं पता, अपनी तली ते जान रख के अजकल निकलना पैंदा अपने घर तो बाहर। जिहड़े दहशत फैलाउण वाले ने ओह अपनियां करतूतां तो बाज नहीं आउंदे, तां इन्हां दे भी परिवारक मैंबरां नूं पता भी नहीं सी कि कुछ अजिहा वापरेगा। पर अजिहे भेत परे हालातां दे विच जदों इन्हां नूं पता लगता है कि किसान बलबीर सिंह की लाश भरा की मोटर ते पई है तो परिवारक मैंबर का जिहड़ा गुस्सा फुटद उस दियां तस्वीरां इस वक्त तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं चढ़दी कला टाइम टीवी के जरिए, जो आप मुहारे चीख चीख के ये सवाल कर रही ने कि आखिर आम आदमी कित्थे सेफ है। जरनैल सिंह सानो सरदार महिंदर सिंह पेंड हुसैनपुर बूले बार डेरा, अज रात साडा भाणजा ही सरदार बलवीर सिंह सानो सरदार रेशम सिंह उन्होंने रात इतों कोई घरों बुला के लै गए, ये नहीं पता भी हुण किन्ने बजे रात बुला के गए ने और उन्होंने ले जाके इतों दो डेढ़ दो किलोमीटर एक बार मोटर है, मोटर भी जिहड़ियां इन्हां दियां तिन्नां भरावां दियां सरदार विरसा सिंह बलवीर सिंह ते जगराज सिंह दियां और एक मोटर ते ले जाके उहनू जिहड़ा है उहदा उहनू सट्टां सुट्टां ला के और उहदा जिहड़ा है गल दोवां बन्नियां तों वढ़ के थोड़ा जिहा ही हुण गल जिहड़ा रिहा ते उहदा रात है जिहड़ा उहनू कोई उह मार गया मर्डर कर दित्ता। हुण जिहड़ी उह सवेरे असीं उहदी भाल कीती भी उहनू पता करिए भी कित्थे, जदों घरे है नहीं सी ते उस तों बाद फिर उधरों जिहड़े मोटर ते कोई सिंह गया उहने वेख्या भी उह जिहड़ा उत्थे उहदा मर्डर होया सी रात, इस करके उन्होंने मुड़ के दस्या फिर सारे उत्थे गए हैं। हुण पुलिस है जिहड़ी उह DSP सार सुल्तानपुर लोधी और SHO थाणा कबीरपुर वह जिहड़े आए ने तहकीकात कर रहे ने और तहकीकात तो हुण पता लगूगा भी रात उहदे नाल भाणा की वापरिया किन्ने मारिया किन्ने नहीं मारिया और प्रशासन तो अं पुरजर मंग करते हैं भी इहदा जिहड़ा उह कातल ने उन्हां नूं लभ के पता करके ते उन्हां ते जिहड़ी बणदी कानूनी कारवाई सख्त तों सख्त कारवाई कीती जावे। कौन कौन है घर दे विच, कौन कौन है घर दे विच? इहदे दो बेटे ने, एक बेटा ते नूंह जिहड़ी इंग्लैंड ने, दूसरा बेटा जिहड़ा है वह फौज हैगा फौजी है ते घर दे विच इक पोतरा है ते इहनां दी नूंह है ते ये आ बलबीर सिंह सी। हथियार जो होर तो नहीं कोई बरामद होया, एक टकुआ हों टकुआ वो टकुआ जोड़ा उतो बरामद होया, बाकी जोड़ा वो जिमें सट्टा लगियां बाकी हम पुलिस जी तहकीकात करेगी तो सारा पता लगेगा भी कि हथियार नालू मारिया गया गल व्या गया कि हथियार निशान है जोड़ा वह एक तो सिर सारा जो फिसया पाया सिर व्या तो एक जोड़ा गला जोड़ा दोवे बन्न तो गला इधरों भी कटिया इधरों दोवे साइडा तो जोड़ा वह गला कटिया।
ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਆ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਾਇਮ ਸੀਗੇ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਫੌਜ 'ਚ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਨੂੰਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਾਇਮ ਸੀਗੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਡੀ ਆਪਣੇ ਐਸ ਐੱਚ ਓ ਆਪਣੇ ਕਬੀਰਪੁਰ, ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਭੇਵ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਜੇ ਬੋਡੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਖਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕੂਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਆ ਟਾਕਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕਾ, ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਫਿਸਿਆ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ।